पहला पॉइंट रोस्टर लागू करने का एक मनुवादी प्रयास है, जिसके द्वारा एससी एसटी ओबीसी के तमाम शिक्षकों का विश्वविद्यालयों में प्रवेश निषेध हो जाएगा। ये एक सोजी साजी समझी से, जिससे कि क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लगभग 20 साल से जो एससी एसटी ओबीसी के शिक्षक विश्वविद्यालयों में आए हैं उन्होंने अपनी मानवतावादी विचारधारा के तहत शिक्षा के लोकतंत्रीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिस वजह से मनुवादी व्यवस्था कांपने लगी है, उसको डर होने लगा है। इसलिए कोर्ट का सहारा लेके और दूसरे लोगों का सहारा लेके ये लोग अब एससी एसटी ओबीसी को विश्वविद्यालयों में आने से रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये मोदी सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए संभव है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी जाग चुका है। आप देख रहे हैं कि आज हजारों की संख्या में यहाँ पे देश के विभिन्न विश्वविद्यालय से और दूसरे जगहों से लोग आए हुए हैं। अब निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप ओबीसी का जो 49.5% उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो इनको मिलकर रहेगा और कोई भी ऐसा प्रयास असफल होगा। राजपाल जी, वो 13 पॉइंट कौन से हैं जिन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उनके बारे में बताएं। एक्चुअली है क्या कि 49.5% रिप्रेजेंटेशन को कैसे एंश्योर किया जाए, उसके लिए एक रोस्टर प्रणाली होती है कि कौन सी पोस्ट किसको जाएगी। ये रोस्टर प्रणाली इसलिए दी गई थी कि आप 49.5% को दे सकें, लेकिन उन्होंने रोस्टर प्रणाली को अब विभागवार बना दिया है। विभागवार का मतलब ये है कि अगर किसी कॉलेज के अंदर सपोज पूरे कॉलेज के अंदर 200 टीचर्स हैं तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे 100 टीचर्स एससी एसटी ओबीसी के होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे 25 डिपार्टमेंट हैं और उन 25 डिपार्टमेंट में किसी में 3 टीचर हैं, किसी में 13 टीचर हैं, किसी में 12 टीचर हैं। तो उस वजह से अगर आपने 13 पॉइंट रोस्टर डिपार्टमेंट वाइज लगा दिया है तो पहली शेड्यूल कास्ट की पोस्ट होती है वो होती है 7वीं। अगर वहाँ पे 60 टीचर ही नहीं है तो शेड्यूल कास्ट की 7वीं पोस्ट आएगी ही नहीं कभी। अगर दूसरी पोस्ट शेड्यूल टाइप की होती है 14वीं, अगर वहाँ पे 14 टीचर नहीं है तो शेड्यूल टाइप की पोस्ट ही नहीं आएगी। तो इन्होंने ये षड्यंत्र किया है कि आप 13 पॉइंट रोस्टर लगा दीजिए, जिसकी वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स की कोई पोजीशन नहीं आने वाली है और देश के अंदर ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में 13 या 13 से कम पोजीशंस हैं। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ ये षड्यंत्र किया और उसके बाद से जितने भी विश्वविद्यालयों के अंदर जितनी भी पोजीशंस आई हैं, लगभग 400 पोजीशंस अभी एडवर्टाइज हुई हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से 4-5 पोजीशंस ही एससी एसटी ओबीसी को मिली। आगामी योजना क्या रहेगी अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा? देखिए, देश के अंदर इस समय पे 1,00,000 शिक्षक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी के हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उसी के साथ लगभग 2 करोड़ विद्यार्थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी के हैं। मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को ये एक बात समझ में आ गई कि मोदी सरकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी के हितों को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर रुकी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी तबका है जो ना सिर्फ मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा देगा बल्कि देश के अंदर ब्राह्मीणवाद को भी नेस्तनाबूद कर देगा। आज मुझे लगता है कि गलती से ही सही लेकिन मनुवादी सरकार ने इस सोते हुए हाथी को जगाने का प्रयास किया है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।